हे फ्रेंड्स देखिए जब हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले यदि उस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है तो कंपनी मानी जाती है कि बहुत अच्छी है क्योंकि आधा काम तो यहीं से हो जाता है अगर देखिए प्रोमोटर होल्डिंग इसमें अच्छी होती है शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा होता है तो ज़्यादातर कंपनियाँ अच्छी ही निकलती हैं कारण है उसका क्योंकि अगर प्रोमोटर्स के पास एफ के पास और डी के पास अच्छा माल होगा तो वो रिसर्च करके ही कंपनी में पैसा लगाते हैं और ऐसी ही देखिए आज हम दो कंपनियाँ देखने वाले हैं और दोनों ही कंपनियाँ बहुत शानदार होने वाली हैं तो पहली कंपनी देख लेते हैं देखिए जिसका कि अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स के पास पिछहत्तर परसेंट है एफ के पास दो परसेंट डी के पास लगभग छः परसेंट और पब्लिक के पास सिर्फ साढ़े सोलह परसेंट है तो बहुत शानदार हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी में देखने को मिलता है क्या कामकाज करती है क्या बिजनेस मॉडल हैं दोनों ही कंपनियों को देखेंगे लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ कोई शेयर आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि को उस पर एक डिटेल वीडियो बना दी जाए देखिए ये जो कंपनी है इसमें अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो देखिए प्रोमोटर पिछहत्तर परसेंट है ये पहले भी हम बता चुके हैं यहाँ अस्सी परसेंट थे लेकिन रूल के मुताबिक पिछहत्तर परसेंट होना चाहिए तो पचहत्तर परसेंट तक अपनी होल्डिंग को ले आए हैं और एफ़ आई आई की बात करें तो जहाँ देखिए ज़ीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट होते थे बढ़ते बढ़ते अब दो परसेंट पहुँच चुके हैं और डी आई आई भी चार परसेंट से हो गए हैं छः परसेंट तक बहुत शानदार एक शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी पर अगर रिजर्व की और कर्जे की बात करें तो देखिए जहाँ रिज़र्व माइनस में हुआ करते थे बयासी करोड़ के अब ये हो गए हैं सत्रह सौ अट्ठारह करोड़ के पॉजिटिव में सिर्फ दो हज़ार बारह से आप देख सकते हैं देखिए 2012 से 2022 हज़ार तो बाईस सालों में जहां माइनस में बयासी करोड़ के रिज़र्व थे वहां 1718 करोड़ हो गए और कर्जा देखें तो जीरो से हो गया है अब बत्तीस थोड़ा सा कर्जा बढ़ा है ऑलमोस्ट डेप फ्री कंपनी है बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है बत्तीस करोड़ का कर्जा सत्रह करोड़ के रिजर्व के सामने कंपनी की हम कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो 25 परसेंट से बढ़ रही है और अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो उनतालीस परसेंट से और सी देखें तो 25 परसेंट से और पिछले दस सालों में भी देखें तो ये ग्रोथ हमेशा अच्छी रही है और आर देखिए हमेशा चौबीस से ऊपर रहा है बात करें सेल्स की तो जो सेल्स चार दो सॉरी चार सौ इक्यावन करोड़ की हुआ करती थी वो हो गई हैं चौंतीस सौ उन्यासी करोड़ की और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो देखिए कभी कंपनी लॉस देती थी, थी 2012 में 11 करोड़ का लॉस हुआ था वहीं अब कंपनी को 513 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी हमारी एग्रोकेमिकल में हमें कामकाज करते हुए दिखाई देती है यू पी एल पी आई इंडस्ट्री ये कुछ इसके पेयर कंपेरिजन हैं सिर्फ तेईस हज़ार की तेईस हज़ार करोड़ की कंपनी चार सौ उनहत्तर का करंट प्राइस पी पैंतालीस का है चौवालीस की इसकी बुक वैल्यू है डिविडेंड भी कंपनी देती है फेस वैल्यू दस की है आर ओ ई पच्चीस और आर ओ सी तैंतीस का है कंपनी का देखिए नाम देख सकते हैं सोमिटोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड और ये जो है एक जैपनीज कंपनी है और ये इंडिया में काम काज करते हुए आपको दिखती है इसलिए ये लिस्ट भी इंडिया में है और यहाँ आप देखेंगे तो वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर इन द इंडस्ट्री विच हैज़ एज बैलेंस पोर्टफोलियो ऑफ टेक्निकल एज वेल एज फार्मूलेशन प्रोडक्ट अलोंग विद बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉर सम प्रोडक्ट तो ये लीडिंग प्लेयर है अपने सेगमेंट में इंडस्ट्री में और देखिए हमारी जो दूसरी कंपनी है ये है सिर्फ़ तीन हज़ार चार सौ पैंतीस करोड़ की चौदह सौ तिरपन का इसका करंट प्राइस है करंट प्राइस थोड़ा इसका बड़ा है लेकिन अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो बहुत शानदार कंपनी हमें बहुत छोटे माइक्रो कैप एक कंपनी दिखती है ये अगर इसकी बुक वैल्यू देखें तो दो सौ नौ की और पंद्रह का पी है सस्ते पी पर मिल रहा है छोटा सा एक डिविडेंड भी देती है जीरो पॉइंट वन फोर परसेंट का और दस की फेस वैल्यू है और आर ओ देखिए पैंतालीस परसेंट का और आर ओ सी चालीस परसेंट से ऊपर का बहुत शानदार आर और आर कंपनी दे रही है हमारी इस कंपनी का नाम है बेस्ट एग्रोफिल लिमिटेड चौदह सौ तिरपन का करंट प्राइस है बस मात्र छोटा सा बात करें इसकी सेल्स की तो कभी पैंतालीस करोड़ की दो हज़ार सत्रह में हुआ करती थी सात सौ करोड़ हो गई है अब बाईस में बहुत शानदार एक ग्रोथ दिखाई है इसने पिछले दो तीन सालों में ही और अगर हम इसका प्रॉफिट वगैरह देखें तो देखिए जहाँ कभी माइनस में चार करोड़ हुआ करता था मतलब लॉस हुआ करता था वहाँ आ गया है 130 करोड़ का प्रॉफिट तो बहुत शानदार प्रॉफिट कंपनी करते हुए दिख रही है यहीं देखिए आप अगर पाँच साल में कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो सत्तावन परसेंट से बढ़ी है इस साल तिरासी परसेंट से और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए तो ढाई सौ परसेंट से बढ़ी है पिछले पाँच सालों में और इस साल एक सौ बयासी परसेंट से सी भी देखिए आप तो दो सौ दो परसेंट से पिछले पाँच सालों में सी बढ़ा है बहुत ही शानदार सी कंपनी दे रही है बहुत अच्छी कंपनी ये इन फ्यूचर हो सकती है कंपनी में एक चीज़ नेगेटिव थोड़ी सी दिखाई देती है वो ये कि चार करोड़ का इस पर कर्ज़ा है लेकिन इसके रिजर्व भी हैं चार करोड़ के तो यहाँ पर चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं थोड़ी सी इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, है तो नेगेटिव ही पॉइंट ये कर्जे वाला लेकिन फिर भी ठीक ठाक है ये चल जाएगा क्योंकि रिजर्व अच्छे हैं कंपनी के पास लास्ट में इसका अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो बहुत शानदार देखिए कभी पाँच परसेंट होता था पाँच परसेंट से धीरे धीरे बढ़ता हुआ अड़तीस हुआ फिर चालीस और अभी हो गया है सैंतालीस हमेशा बढ़ा ही रहे हैं इसके प्रोमोटर्स जो हैं इसमें होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और अगर एफ़ देखें देखिए जहाँ चार परसेंट हुआ करता था वहाँ सवा ग्यारह परसेंट से ऊपर हो गए हैं एफ और डी आई आई जहाँ नील थे वहाँ देखिए ढाई परसेंट से ऊपर के डी भी हो चुके हैं और पब्लिक के पास जहाँ कभी नब्बे परसेंट तक हुआ करता था वहाँ रह गया है सिर्फ अड़तीस परसेंट सारा माल पब्लिक से छीन लिया गया है तो दोनों ही कंपनियाँ इन फ्यूचर बहुत शानदार हो सकती हैं और देखिए इसमें भी ये पब्लिक होल्डिंग में आप देखेंगे तो ये राजकुमार जी हैं कोई राजकुमार जी इनके पास 11 परसेंट से ऊपर 12 परसेंट के लगभग होल्डिंग है इनके पास बनी हुई इसकी तो दोस्तों कंपनी जो है ये इन फ्यूचर बहुत शानदार रिटर्न दे सकती हैं दोनों ही तो देखिए दोनों वीडियो ही जो हैं दोनों ही जो कंपनियां हैं ये इनमें कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है तो आप इन्वेस्ट अगर करना चाहते हैं तो अपनी जो एनालिसिस है उसको जरूर कीजिएगा तभी इन्वेस्ट कीजिएगा या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लीजिएगा तभी कीजिएगा ये सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो थी तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत